जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों के सफाई में जुटे हैं। हाल ही में अनंतनाग में एक सप्ताह तक मुठभेड़ चली जिसमें कई जाबाज अफसर शहीद हुए, लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस खुलासे से जम्मू कश्मीर प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP शेख आदिल मुश्ताक का आतंकवादियों के एक आरोपी से रिश्ते का आरोप लगा है। शेख आदिल मुश्ताक ने आतंकवादियों को गिरफ्तारी से बचाने में उनकी मदद की और जब शेख आदिल को लगा कि मैं फंसने वाला हूं, तो पूरा इल्जाम अन्य पुलिस अधिकारी पर लगाने की कोशिश भी की। शेख आदिल के घर जब पुलिस पहुंची तो कूदकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने शेख आदिल को दबोच लिया। शेख आदिल पर आतंकवादियों की मदद के अलावा भ्रष्टाचार के भी आरोप है। शेख आदिल पर 5 लाख रुपए आतंकवादियों से लेने के भी आरोप है। शेख आदिल गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने शेख आदिल को 6 दिन की हिरासत में रखने का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार पता चला कि आतंकवादियों के फोन की जब जांच हुई तो पता चला कि शेख आदिल मुश्ताक लगातार आतंकियों के साथ संपर्क में बने हुए थे। शेख आदिल एक सीनियर पुलिस अधिकारी का इस तरह से आतंकवादियों से ताल्लुक रखना और मदद करना हैरान करने वाला है। शेख आदिल ने आतंकियों को ये भी समझाया कि वो कैसे कानून के शिकंजे से बच सकते हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार आदिल मुश्ताक अक्सर आतंकवादियों से बात करता था। इसके लिए आदिल मुश्ताक टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करता था। शेख आदिल मुश्ताक और आतंकियों के बीच 40 बार कॉल पर बात हुई है। मतलब एक जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP कुछ रुपयों के लिए आतंकियों की पूरी जानकारी दे रहा था। इसी वजह से आतंकियों के पैर होते हैं, वो बेवकूफ होकर घूमते हैं क्योंकि इनको आला अफसरों का साथ मिला होता है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को जुलाई में गिरफ्तार किया गया और फिर लंबी जांच के बाद अब ये खुलासा हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना गाइस।